फिल्म को डायरेक्ट करना और फिल्म में किसी किरदार को निभाना दोनों ही बहुत अलग बातें हैं। ऐसा शायद हम जानते हैं, लेकिन कुछ बॉलीवुड स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्हें ये दोनों ही काम एक जैसे लगते हैं, और शायद यही वजह रही होगी कि इन्होंने एक्टिंग करने के साथ फिल्म को डायरेक्ट करने का भी ट्राई किया। लेकिन कौवा अगर हंस की चाल चलेगा तो क्या होगा, ये आप सभी जानते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसे ही बॉलीवुड स्टार्स के बारे में आपको बताएंगे जिन्होंने मूवीज डायरेक्ट तो की लेकिन वो कुछ खास धमाल मचा नहीं पाई। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर एक, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी एक ऐसा नाम है जिसके लिए जितने भी शब्द कहे जाएं वो कम पड़ेंगे। उनकी खूबसूरती, उनकी अदाकारी, उनके डांस का आज का युवा भी दीवाना है। अपनी अदाओं से करोड़ों दिलों पे राज करने के बाद हेमा मालिनी ने डायरेक्टर बनने की सोची। हेमा मालिनी को बॉलीवुड में 40 साल से भी ऊपर का समय बीत चुका है। उन्होंने 1992 में दिल आशना है मूवी को डायरेक्ट किया था, जिसमें शाहरुख खान और दिव्या भारती ने लीड रोल किया था। इस मूवी में डिंपल कपाड़िया ने भी एक्टिंग की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। ये हेमा मालिनी की पहली और आखिरी डायरेक्टेड मूवी रही। नंबर दो, दीपक तिजोरी। 1990 के मशहूर सपोर्टिंग एक्टर्स में एक रहे दीपक तिजोरी को आपने काफ़ी मूवीज में देखा होगा। एक सपोर्टिंग रोल को दीपक ने हमेशा ही बेहतरीन तरीके से निभाया है, फिर चाहे बात खिलाड़ी मूवी की हो या फिर बादशाह। एक्टिंग में हाथ आजमाने के बाद दीपक ने मूवीज को डायरेक्ट करने की सोची और उन्होंने 2003 में ऊप्स नाम की मूवी को डायरेक्ट किया। इस मूवी में विकास सेठी और किरण जंजानी ने लीड रोल किया। मूवी की कहानी किसी भी तरीके से समझ नहीं आई, और बात करें एक्टिंग की तो वो भी बहुत बेढंग तरीके से की गई थी। मूवी में ज़बरदस्ती के अश्लील सीन डाले गए थे जिनका कोई सेंस ही नहीं था। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत पिटी। नंबर तीन, ऋषि कपूर। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर से अपनी बचपन में ही एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले ऋषि कपूर ने बहुत सी ऐसी मूवीज करी जिनकी छाप आज तक लोगों के दिलों पे बनी हुई है। बॉबी मूवी से लवर बॉय की इमेज बनाने वाले ऋषि ने अपने समय की हर एक्ट्रेस के साथ काम किया। मूवीज करने के बाद ऋषि ने सोचा कि वो भी अपने पिता की तरह डायरेक्टर बन सकते हैं, इसलिए 1999 में उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन और अक्षय खन्ना के साथ अब आ लौट चले मूवी को डायरेक्ट किया। इस मूवी में राजेश खन्ना ने भी रोल प्ले किया था। मूवी की कहानी में ज्यादा कुछ नया नहीं था, जिसकी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पे एवरेज कमाई ही कर पाई, और इसी वजह से ऋषि ने अपने एक्टिंग करियर में ही रहना ठीक समझा। नंबर चार, शशि कपूर। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट मूवीज में कदम रखने वाले शशि ने अपने करियर में बेहद उम्दा परफॉर्मेंसेस दी। उनके एक्टिंग करने का तरीका बाकी के एक्टर्स से काफी अलग था। शशि की लाइफ में भी ऐसा समय आया जब उन्होंने भी डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठने की सोची। 1991 में अजूबा मूवी में अमिताभ बच्चन को लीड कैरेक्टर में लेकर शशि कपूर ने एज अ डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। ये खानदानी तलवार सुल्तान मलिका और शहजादे का बदला अब तुमसे लेगी। अमरीश पुरी ने भी इस मूवी में विलेन का रोल किया। अजूबा मूवी बेसिकली एक सुपर हीरो पे बेस थी जो कि अरेबियन मैथोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इस मूवी को बनने में 8 करोड़ रुपए लगे थे, जो कि उस समय एक बहुत ही बड़ा अमाउंट था। अमिताभ बच्चन के होने के बावजूद भी मूवी बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से शशि कपूर को समझ आ गया कि डायरेक्शन उनके लिए नहीं है। नंबर पाँच, पंकज कपूर। पंकज कपूर ने अपनी एक्टिंग अबिलिटीज़ को जबान संभाल के और ऑफिस जैसे टीवी शोज से बखूबी दिखाया। 3 दशक से भी ऊपर बॉलीवुड में काम करने के बाद पंकज कपूर ने मूवीज डायरेक्ट करने की सोची और 2011 में अपने बेटे शाहिद कपूर को लीड रोल में लेकर सोनम कपूर के साथ मौसम मूवी लॉन्च की। मूवी लॉन्च करने में ही पंकज कपूर को 2 साल लग गए और ऑडियंस को ये मूवी पसंद भी नहीं आई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद पंकज कपूर ने दोबारा किसी मूवी को डायरेक्ट करने की नहीं सोची। नंबर छः, अजय देवगन।
120 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुके अजय देवगन अपने आप में एक बेहतरीन एक्टर हैं। 1991 में फूल और कांटे से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अजय देवगन की एक्टिंग में एक अलग तरह का ठहराव देखने को मिलता है। एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने के बाद अजय ने 2008 में यू मी और हम मूवी को एज अ डायरेक्टर बनाया था। इस मूवी में उन्होंने अपनी वाइफ काजोल को लीड रोल में कास्ट किया था और वो खुद भी इस मूवी में लीड रोल में नजर आए थे। मूवी की कहानी द नोटबुक की कहानी पर बेस थी, लेकिन इस मूवी ने बिलो एवरेज ही बिजनेस किया। इसके बाद उन्होंने शिवाय मूवी में भी अपनी डायरेक्टिंग स्किल्स को आजमाया था, लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि अजय कैमरा के पीछे नहीं बल्कि आगे ही अच्छे लगते हैं, जिसके बाद अजय ने किसी और मूवी को डायरेक्ट करने की नहीं सोची। नंबर 7, अनुपम खेर। 500 से भी ज्यादा मूवीज में काम करने वाले अनुपम खेर एक शानदार एक्टर हैं। चाहे इमोशनल हो या फिर कॉमेडी, अपने हर रोल को किस तरह से ऑडियंस के सामने पेश करना है वो ये बात अच्छे से जानते हैं। उन्होंने ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि बैंडेड लाइक बेकम जैसी हॉलीवुड मूवीज में भी काम किया है। 2002 में आई ओम जय जगदीश मूवी को अनुपम ने डायरेक्ट किया था। इस मूवी में सिबलिंग्स की आइडियोलॉजी डिफरेंसेस को दिखाया गया है। मूवी में अनिल कपूर और अभिषेक बच्चन जैसे एक्टर्स ने काम किया था, लेकिन मूवी ज्यादा खास नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। नंबर 8, सनी देओल। सनी देओल अपने समय के बेहतरीन कलाकारों में से एक रहे हैं। दामिनी, गदर और बॉर्डर जैसी सुपरहिट मूवीज करने के बाद सनी ने डायरेक्टर बनने का मन बनाया। उन्होंने 1999 में दिल्लगी मूवी को डायरेक्ट किया, जिसमें दो भाइयों की कहानी दिखाई जाती है जिन्हें एक ही लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन मूवी बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके बाद 2016 में सनी ने फिर से डायरेक्टिंग में अपना हाथ आजमाने की सोची। इस मूवी का नाम था घायल वंस अगेन, जिसकी कहानी वही घिसी पिटी पुरानी मूवीज पर बेस थी, जिसमें एक हीरो को बुराई के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया जाता है। मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ एवरेज बिजनेस ही किया। नंबर 9, नसीरुद्दीन शाह। 1967 में मूवी अमन से अपना बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने वाले नसीरुद्दीन शाह एक जबरदस्त कलाकार हैं। इन्होंने न जाने कितनी ही बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। इनकी एक्टिंग इतना प्रभावित करती है कि आप इनके फैन बने बिना रह ही नहीं पाएंगे। नसीरुद्दीन जी को अपने परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। नसीरुद्दीन ने 2006 में यूं होता तो क्या होता मूवी को डायरेक्ट किया था। इस मूवी में इरफान खान, परेश रावल और नसीरुद्दीन जी के बेटे इमाद शाह ने काम किया था। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई, जिसके बाद नसीरुद्दीन शाह ने कोई और मूवी को डायरेक्ट नहीं किया। नंबर 10, पूजा भट्ट। मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट ने केवल 17 साल की उम्र में अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी थी। उन्होंने अपने ही पिता द्वारा डायरेक्ट की गई मूवी डैडी से फिल्मी जगत में कदम रखा था। पूजा को फेम 1991 में दिल है कि मानता नहीं मूवी से मिली, जिसमें इन्होंने काफी बोल्ड सीन्स भी किए थे। एज अ डायरेक्टर पूजा की पहली फिल्म पाप थी, जो कि 2004 में आई थी। इस मूवी में जॉन अब्राहम और उदिता गोस्वामी लीड कैरेक्टर्स में थे। इसके बाद उन्होंने धोखा, कजरारे और जिस्म 2 जैसी मूवीज में भी अपना डायरेक्टिंग का हाथ आजमाया, लेकिन ये मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे बॉलीवुड स्टार्स जो डायरेक्टर बनने के अपने सपने को पूरा नहीं कर पाए और बीच में ही उन्होंने इसे छोड़ दिया। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।